बाला साहब ठाकरे पर अगले आरोप की। मुलजिम बाला ठाकरे पर जनता का इल्जाम है कि इन्होंने बंबई में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। बंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? तो ठीक है, कांपना है तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हैं और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि पुलिस वाले भी शिवसेना के लोगों से डरते हैं? ऐसे तो मेरे पर काफी इल्जाम है कि मैं हाथ में हाथ बटा के चल रहा हूँ उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आपने क्रिमिनल्स को जगह दी पार्टी में? कौन क्रिमिनल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो को जो क्रिमिनल वॉर में जो लोग। नहीं नहीं, नाम तो ले लो। एक किम नाम के आदमी थे, एक किम, किम थापा की बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड्डी प्लेयर था, और जब भी मैंने उनको टिकट दिया तो उस वक्त वो कबड्डी प्लेयर था, वो तो गुनाह नहीं था। इसके बाद थापा बिगड़ गया और आप इल्जाम लगा जा रहे हैं। रमेश मोरे, विठल चव्हाण, नहीं, ये they were not criminals, but they died in gang wars। जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आती तो मैं कैसे ये कार्रवाई करूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना से जितने लोग एसोसिएटेड हैं उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, किसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, सब दूध के धुले हैं? दूध के धुले तो कोई भी नहीं होता है। आप सबूत लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिश्ता है गैंगस्टर्स को, गैंगस्टर वालों के साथ और कहीं, तो मैं उसको हटा दे दूंगा। एक एक वक्त, एक सिंगल मिनट भी मैं उनको नहीं रखूंगा। एक बार किसी ने सवाल आपको पूछा था कि शिवसेना करप्ट है, तो आपने कहा था हमने करप्शन कांग्रेस से सीखा था। यस, आडवाणी के लैंग्वेज में क्या कहूँ, उसके लफ्ज में मैं कहूँ, द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीफ केस एंड अ सूटकेस। यानी बाला साहब, अगर विदाउट करप्शन यू कैनॉट फाइट इलेक्शन, इतनी मंगी हुई है तुम्हारी चुनावी बात कि 1 करोड़ तक जब भी आप कोई खर्चा करते हैं तो आप एमपीशिप यानी खासदार यानी कि एमपी का भी चुनाव लड़ सकता है, और वैसे तो 1.5 लाख में आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ओके, आई पे दिस अमाउंट टू मिस्टर नरसिम्हा राव एंड लेट मिस्टर नरसिम्हा राव फाइट हिज इलेक्शन व्हेन एवर इट इज गोइंग टू बी, वेल आई विल पे फॉर दैट, आई विल स्टैंड टू दैट एक्सपेंस। कहो, ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन को? आई एम नॉट, ये पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे वाले ऊपर का वाले करते हैं, तो हम क्यों ना करें, ये बात हो रही है देश में, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर तो आप कहेंगे तो ये वर्ल्ड फिनोमिना हो रहा है अभी, तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जरा साइड डिश कोई हो, स्वीट डिश तो भूल जाइए, मगर तो करनी पड़ती इस पर एक अच्छी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, एंड दैट गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्रूयल। एक डिक्टेटरशिप चाहिए, बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है, उसके आगे, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट, यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है, बेचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकर और चव्हाण वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है, और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है?
Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है ये आता है कि मैं बड़ो कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या आप हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं, तो कैसे करे? ये युवा को क्या है? युवा को नहीं, पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। ये मेरा विचार है। बाला साहब, आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था तो उसका अफजल खान होता, मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है, तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके उस सामने गया, इसलिए बच गए। और कहीं हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते ना रह सकते, तभी क्या करो? ये मेरा इशारा है, देयर गोइंग टू बी क्लास। जितनी बातें मैंने की तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ना कोई मैं पामिस हूं, मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया, फिर भी मैं कॉशनिंग जब भी देता हूं वो होते हैं बात, ये हो रही है। आई सेड द इन 1980 दैट इंदिरा जी विल बी किल्ड एंड शी वॉज किल्ड इन 84। आई सेड दैट दिस बॉय दैट इज राजीव गांधी will be killed by Tamilian tiger and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. ये लाइनों के दरम्यान क्या लिखी गई है बात सत्य वो मैं देखता हूँ। आप तो अखबार पढ़ते हैं और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब, वो बड़ा उदार दिल होता है, बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कार्टूनिस्ट होता है, उसमें इमोशन कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इमोशन क्या होता है, वो न्यूज पर आधारित होता है, जैसे न्यूज वैसा कार्टून। उसमें कोई कविता, उसमें कोई आर्ट, उसमें कोई कल्चर? आर्ट ही है ना, आर्ट ही, इट इज एन आर्ट, यस, कैरिकेचरिंग इज एन आर्ट। तो कार्टूनिस्ट के दिल में, जो कार्टूनिस्ट का दिल है लाइने खींचते खींचते, उसमें ये टाइगर का दिल कहां से पैदा हो गया कि मिलिटेंट बना दो? बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी का जब भी महात्मा गांधी हो सकता है तो कार्टूनिस्ट का कोई शिवसेना प्रमुख क्यों न बन जाए। मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि प्रेस के प्रति इनका रुख नेगेटिव है। आजकल अखबार वाले आपके घर के बाहर मोर्चा पर भी बैठने लगे हैं, दिल्ली से आकर पत्रकार, और उनकी शिकायत यह है कि जो अखबार वाले आपकी बात या आपकी पार्टी की बात नहीं मानते उनकी पिटाई कर दी जाती है। नहीं, जो तमाशा हो गया मेरे खिलाफ शिवसेना भवन के सामने, आप पूरी लिस्ट, आप पूरे जो लोग वहां जमे थे, इकट्ठा हुए थे, सब पूरे के पूरे लिस्ट देखिए, दे वर ऑल लेफ्टिस्ट, पूरे के पूरे, चाहे वो निखिल चक्रवर्ती हो, और कोई हो, एन राम हो, नीचे तो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट लोग खड़े थे। ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं है। आप सोचते हैं कि दिलीप पटगांवकर और गोविंद तलवलकर कम्युनिस्ट हैं? एक दो चीजें, बातें तो छोड़ दीजिए, आदमी को छोड़ दीजिए, कि पूरे के पूरे बैन, यानी कि 10 में से 8 आदमी मैं कहता हूं पूरे कम्युनिस्ट थे, यानी कि लेफ्टिस्ट, लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्टिस्ट। ये जो ओवरऑल बिहेवियर है बाला साहब प्रेस के प्रति, ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है, राइटर्स बिल्डिंग में भी अखबार वालों की पिटाई होती है, अयोध्या में भी अखबार वालों की पिटाई होती है। दूसरे कोई लोगों ने की, हम करते तो बॉम्ब मारते, कोई जुलूस निकालते, कोई गड़बड़ करते, गवर्नमेंट के पास जाते, सीएम को कोई निवेदन देते, ये होते हैं हमारे पास, ये तो मुसीबत है। नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जस्टिफाई, वहां तो गुजरात में जन्मभूमि और कहीं अखबार की पूरी इमारत जला दी, वही बात कलकत्ता में हुई, यहाँ तो किसी की इमारत और कोई, हमने तो किया नहीं, जला दिया। मैं पूरे
वैसे तो पत्रकारों के खिलाफ मैं नहीं हूं, क्योंकि आई एम ऑल्सो कार्टूनिस्ट, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री और वर्ल्ड। आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था, उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखे, आपकी पार्टी के खिलाफ लिखे, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट उनको कहिए फ्रीडम का स्पेलिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। यू मस्ट नो योर लिमिट्स एज ए जर्नलिस्ट, अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। फ्रीडम का क्या मायना होता है? कभी हम शुरुआत करते तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, मगर शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करें? गलत बात छपने के बाद भी मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन जब भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं, मगर मेरे लोग तो है। अभी तो हिस्ट्री है शिवसेना की, जब भी किसी अखबार वाले ने शिवसेना के खिलाफ लिखा है तो उसकी पिटाई हुई है। कितने लोगों की? ऐसे अभी पूरे के पूरे देश के पत्रकार वहां शामिल हो गए, इनमें से कितने? वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायण का खून हो गया, उसका और दूसरे लड़के का खून हो गया, हमारे नागपुर में 5 लोग मारे गए, पूरे के पूरे 5 फैमिली, 5 ये भाई थे, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्टर ने मारा, और इंस्पेक्टर की बाजू लेने वाले यही अखबार वाले हैं। वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत थी उसको इस पर हमला करने की, प्राइवेट लाइफ को स्पर्श करने की, और ठीक हो गया, अभी उधर ठीक हो गया। और मैंने जब ये तमाचा लगाया तो आप कहते हैं कि कैसे मीडिया पर हमला हो गया, खून चलता है, मेरा तमाचा नहीं चलता, मेरा एक लाफा नहीं चलता इन लोगों को, मैंने तो मारा नहीं। कोई बात ऐसी है कि हमारे में भी कोई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई मुझे पागल कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कैसे करें? वो आपकी मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तभी उनका भी उल्लंघन होगा। जब मैं एक लाफा चढ़ाऊंगा तो मेरी ये भी तैयारी होनी होगी कि मुझे भी कोई लाफा चढ़ाएगा। आपका जो अखबार है सामना, अगर इसमें किसी के खिलाफ खबर छपे और वो आकर उसके एडिटर को ऐसे धक्का मुक्की करे, मारे पीटे, तब आप क्या करेंगे? क्या उसको सही मानेंगे? सही मानना होगा, मगर जब तक हम हमला नहीं करते तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमला हमने किया, यानी कि मेरे आदेश के ऊपर वो कोई बर्ताव हो गया कि कोई लोगों ने मारपीट की या हाथापाई की, तो मैं समझ सकता हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी मीडिया की होगी वो संभाले, ठीक तरह से संभाले, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को। फत्तर मारने से कीचड़ उड़ता ही है, ये मत बोलो, तो फत्तर मत मारिए, कीचड़ नहीं उड़ेगा। बाल ठाकरे पर जनता की अदालत में आरोप है कि उन्होंने शिवसेना में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बनने दी। शिवसेना यानी बाल ठाकरे, बाल ठाकरे यानी शिवसेना, आपके अलावा कोई दूसरा नेता उसमें आ ही नहीं सकता, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना में दूसरी और सेकंड रैंक भी तैयार है, और जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं, इसलिए अभी किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला? नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी, वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूँ, और ये चुनाव बिना वगैरह मुझे पसंद नहीं, ये चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं, और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड, ये तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है, गुटबाजी है, ये सब चलते हैं, ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र कहते, नाम अच्छा है मगर पार्टी को बहुत महंगा पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा, और गया भी था, एक बार नहीं दो बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। तो लोग कहते हैं वो तो नाटक किया, अभी जो मैं करता हूँ नाटक होता है तो मैं क्या करूँ, अभी मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, चाहे मैं नाटक करूं तो भी लोगों ने मुझे वापस क्यों लाया, क्या वो लोगों का भी नाटक था वापस लाने का? तो ये मान ले बाला साहब की शिवसेना इस बाल ठाकरे इस शिवसेना, आगे का तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, तो आज तो है भी ऐसी बात है, और क्योंकि दूसरी रैंक है, जैसे कि मनोज जोशी है, सुधीर जोशी है, दत्ताजी सालवी है, वामन राव महारिक, बहुत काफी नवलकर, जब भी मैंने होता तो वो निभाते हैं सबको। शिवसेना में आपके बेटे हैं उद्धव ठाकरे और आपके नेफ्यू राज ठाकरे,
वो कंट्रोल करते हैं पीछे से, और आपके जाने के बाद में ये जो मेरे पास पीछे की कोई बात नहीं होती, आगे की बात होती है, सामने की बात होती है. इफ दे वांट दे मे, बट आई विल नॉट डू इट माई सेल्फ. मैं खुद नहीं करूंगा कि चलो आज मेरा लड़का बैठेगा तुम्हारे सर पर, ये मैं नहीं करूंगा. मगर लड़के में कोई कर्तृत्व हो, वो खुद आएगा, आगे आएगा. ये जो डायनेस्टिक रूल है इसको आप सपोर्ट करते हैं कि आपके बाद आपका बेटा इस गद्दी को संभाले या नहीं? डायनेस्टिक रूल का सवाल ये होता है, जब भी दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो वो बैठेगा. दम है उसमें, अभी लड़का तो है, कैसे कहूं नहीं दम है, तो वो दम मारेगा घर में जाएंगे.